नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जो भाई हमारे सीमेंट टैंक में मछली पालन करना चाहते हैं तो उनको टैंक किस तरीके से बनाना चाहिए, कम से कम कितना बड़ा बनाना चाहिए और कौन सी फिश पालनी चाहिए जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, और क्या बारीकी रखें, किस तरीके से आपको बनवाना है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो भाई हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उनको मिले और वो देख सकें। दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सीमेंट टैंक का निर्माण स्टार्ट हो चुका है और कुछ काम हो चुका है। तो ये दो टैंक दोस्तों ये बन रहे हैं और इसकी लंबाई दोस्तों 30 फीट रखी गई है और चौड़ाई 20 फीट, मतलब 20x30 में दोस्तों ये टैंक दो बन रहे हैं। एक टैंक 20 फिट चौड़ा और 30 फिट लंबा होगा। दो टैंक का निर्माण दोस्तों ये किया जा रहा है और इसमें कोई दोस्तों इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप किस टैंक को कैसे बनवाएं, किस तरीके से बनवाएं। बस इसमें बीम का आपको ख्याल रखना है कि आपको नीचे जो फेस पे बीम देना है तो वो दोस्तों बीम देना, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें बीम दिए गए हैं चारों तरफ और चारों कोने पे दोस्तों इसमें पिलर दिए गए हैं, कॉलम 9 इंच का, और नीचे फेस में दोस्तों जो इसकी फर्श लगेगी दोस्तों, जो ड्रेनेज बनेगा उसमें भी ये आप 9 इंच का बीम दोस्तों दे सकते हैं, और नीचे से 2 फीट की गहराई से दोस्तों ये 9 इंच की दीवार उठाई गई है और उसके ऊपर दोस्तों ये बीम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये आप देख सकते हैं इस तरफ भी ये बीम दे दिया गया है, उसके ऊपर से दीवार 9 इंच की उठाई गई है और ये गहरा दोस्तों लगभग 5 फीट के करीब गहरा बनेगा और 4 फीट इसमें पानी रहेगा और 20x30 में 20 इसकी चौड़ान और 30 लंबान रखी गई है। कम से कम इतना बड़ा दोस्तों आप टैंक ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग एरिएशन और प्रोबायोटिक, मतलब जो बायोफ्लाइक होता है दोस्तों उसका ना यूज़ करके और वाटर एक्सचेंज करके, मतलब पानी को बदल कर 15 दिन पे 10 दिन पर जिस हिसाब से देखेंगे, अगर पानी गंदा हो रहा है तो उसको ड्रेन कर देंगे और नया पानी दोस्तों उसमें ऐड कर देंगे, इस तरीके से कल्चर इसमें होगा। ये आप देख सकते हैं कोने पे दोस्तों ये बीम दिया गया है, कॉलम 9 इंच का, और उसके बाद चारों कोने पे, और उसके बाद ये एक दिया गया है और ये आपस में दोस्तों, ये जो बीम नीचे आप देख रहे हैं पड़ा है उसके ऊपर 9 इंच की दीवार है, ये आपस में दोस्तों सब ज्वाइन कर दिया गया है, सरिये की मदद से सब कस दिया गया है, जैसे घर की नींव पड़ती है दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों ये आपको नीचे का स्ट्रक्चर नीचे का बनाना है आपको। ये आप देख सकते हैं 9 इंच का कॉलम एक ये दिया गया है और उसी तरीके से आगे उधर दे दिया गया है ये बीम, और उसके ऊपर ये बीम दिया गया है दोस्तों ये 9 इंच का, और ये नीचे जो दीवार आप देख रहे हैं 9 इंच की, ये 2 फीट गहरी दोस्तों है, 2 फीट लगभग गहरान इसकी नीचे से ली गई है और ये बीम के बराबर दोस्तों, ये जब 9 इंच का बीम डालेंगे ये चारों कोने पे दोस्तों ये बीम दे दिए गए हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों 9 इंच की दीवार उसके ऊपर उठाई गई, चारों तरफ 9 इंच की दीवार ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी लगभग 90,000 लीटर के करीब दोस्तों पानी आएगा, तो इसलिए चारों तरफ की दीवार 9 इंच रखें जिससे कि बाद में दोस्तों क्रैक होने का टैंक का खतरा ना रहे। तो इस तरीके से आप भी निर्माण कराएं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा इशू नहीं है कि आप, बस ये बारीकी आपको रखनी है कि आप सरिये का इस्तेमाल करके 9 इंच का बीम ज़रूर रखें जिससे कि चारों कोने आपस में कसे रहें, और ये आप देख सकते हैं ये बीम डाला गया है 9 इंच का, और नीचे की जो दीवार आप देख रहे हैं ये 2 फीट नीचे की फर्श रहेगी दोस्तों, जो ड्रेनेज हम बनाएंगे वो बीम के बराबर का बनाएंगे। ये अभी इतनी पटाई होनी है दोस्तों, ये जो आप नीचे दीवार देख रहे हैं 9 इंच की, इसकी इतनी पटाई होके और बीम के बराबर इसका दोस्तों लेवल रखेंगे। तो इस तरीके से आप भी सीमेंट टैंक का बनवा के मछली पालन कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों पंगेसियस के लिए ये बन रहा है जिसे बैकर प्यासी मछली कहते हैं, उसी का दोस्तों इसमें कल्चर होगा, और वाटर ड्रेनेज करने का सिस्टम भी अभी नहीं बना है, तो
जैसे जैसे काम होता जाएगा उस तरीके से आपको अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी आपको मैं देता रहूँगा चैनल पे। तो ये दोस्तों काम इतना हुआ था तो मैंने अपडेट आपको दी है। और इसमें आप जैसे घर बनाते हैं उसी तरीके से नीचे का स्ट्रक्चर बिल्कुल बनेगा कि चारों कोने पे आपको पिलर दिए जाएंगे और फिर उसके ऊपर 2 फीट 9 इंच की दीवार उठा के 2 से 2.5 फीट की उसके ऊपर 9 इंच का बीम चारों तरफ बांध दिया जाएगा, सरिये से सारे कस दिए जाएंगे जिससे कि आपस में जॉइंट रहे और जो पानी का भराव रहे उससे दीवार हमारी टूटे ना फटे ना, टैंक को कोई नुकसान ना हो, ये आपको ख्याल दोस्तों ये रखना है। और इसमें कितनी लागत आने वाली उसका भी आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे कि इसमें कितना पैसा लगा कितना ईंटा लगा। ये 9 इंच की दीवार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर की 9 इंच की दीवार है और ये पिलर दिया गया है। इसके बाद इधर भी 9 इंच की दीवार उठेगी, ये कालम भर लिया जाएगा। तो ये काम दोस्तों अभी चल रहा है, जैसे जैसे काम होता जाएगा उस तरीके से आपको अपडेट दोस्तों मिलती रहेगी। और पंगेसियस कल्चर के लिए दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं ये नीचे से जो ये दीवार है ये 2 फीट गहरी गई है, उसके ऊपर ये बीम दोस्तों ये डाल दिया गया, 9 इंच का बीम है ये, ये आप देख सकते हैं, जिससे कि ये जो बीम डाला गया है ये जो कोने पे दोस्तों जो कॉलम दिए गए हैं उससे दोस्तों ये कसाव कर लेता है तो उससे टैंक फटने का खतरा नहीं रहता है, इसलिए बीम डाला गया है। और इधर बीम डाल के और उसके ऊपर ये दीवार की चुनाई स्टार्ट हो रही है। अब कल दोस्तों इस पर काम लगेगा और ये कालम भर लिया जाएगा ऊपर तक, लगभग 5 फीट तक ऊपर आ जाएगा, 4 फीट इसमें पानी रहेगा। और ये इसी के ये बीम जो आप देख रहे हैं ये इसी में दोस्तों ज्वाइन कर दिया गया, कस दिया गया जिससे कि कोने से अब टैंक जो है ना निकले दोस्तों, पानी जब इसमें रहेगा तो जिससे कि ऊपर ना निकले। ये आप देख सकते हैं ये 9 इंच का बीम इधर भी डाला गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अगर आपके पास कम जगह है और अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो कम जगह में दोस्तों आप पंगेसियस का कल्चर आप कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं और जानकारी दूंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।